सो हेलो गाइस, क्या हो आप सब लोग। सो गाइस जी, आप हमारे पास आ चुके हैं नॉइज़ की तरफ से, नॉइज़ एयरबड्स प्रो एसी। सो गाइस, ये जो एयरबड्स आते हैं 1699 में लॉन्च हो गए थे, ANC सपोर्ट के साथ आते। तो गाइस मैंने सोचा क्यों ना हमारे व्यूवर्स के लिए इसे परचेज किया जाए एंड जेन्युइनली वो दिया जाए। सो गाइस, अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस 5K सब्सक्राइबर्स जल्दी होने वाले, तो 5K सब्सक्राइबर्स होते ही 5 स्मार्ट एंड फायरबड्स का गिव अवे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए एंड गाइस स्टार्ट करेंगे। इसके बिल्ड एंड डिजाइन से साउंड क्वालिटी, कॉलिंग टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट करेंगे। एंड वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि ये ईयरबड्स आपको परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इस बॉक्स के ओवरव्यू। बात करूँ बॉक्स की ओवरव्यू की, तो नॉइज एयरबड्स प्रो ऐसे इसका मॉडल है मैं। एंड गाइस 30 dB का नॉइज कैंसिलेशन दे रहा है। इसका टोटल प्ले टाइम मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं वीडियो में, आगे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो गाइस स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देख लेते हैं बॉक्स कंटेंट को। तो गाइस यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एनवलप दे रखा है, तो गाइस जिसे बाहर निकाल देंगे। एंड यहाँ पे सबसे पहले एनवलप को देख लेते हैं। गाइस यहाँ पे नॉइस का स्टिकर्स है एंड 1 ईयर का वारंटी कार्ड एंड यूजर मैनुअल दिया गया है। नीचे के सेक्शन में देखते हैं, यहाँ पे आपको हमारे मेन ईयरबड्स जो मिल जाएंगे। तो गाइस ये रहे हमारे नॉइस के ईयरबड्स, इसको रख देंगे साइड में। एंड एक एसेसरीज का बॉक्स दिया जाता है, तो गाइस जिसे यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ये हमारे टाइप सी चार्जिंग केबल एंड एक्स्ट्रा ईयर टिप्स प्रोवाइड कर रखे है। सो गाइज ये रहे हमारे मेन ईयरबड्स, तो गाइज बाहर निकाल देंगे। एंड जैसे कि देख सकते हो शाइनिंग काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। एंड गाइज ये ग्लॉसी फिनिश मुझे यहाँ पे टाइप ऑफ लग रहा है, मैट फिनिश तो नहीं है। यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर है, नॉइस की ब्रांडिंग है। एंड गाइज यहाँ पे हिंज की क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है। नीचे मिल जाएगा आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट चार्जिंग करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे ईयरबड्स की मैग्नेटिक की क्वालिटी भी चेक कर लेते, तो गाइज काफ़ी बढ़िया है। कॉम्पैक्ट की बात करो तो कॉम्पैक्ट तो है, ईयरबड्स पॉकेट फ्रेंडली है। तो गाइज यहाँ पे ईयरबड्स को बाहर निकाल देंगे। एंड जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके के कुछ यहाँ पे डिज़ाइन है ईयरबड्स की, काफ़ी तगड़ी लुक दे रही है। अंदर ग्लॉसी फिनिश है, यहाँ पे नॉइस की ब्रांडिंग है, बैटरी इंडिकेटर्स नीचे है वो दिए जाते हैं। सो गाइस यही थी इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन, फटाफट से कर लेते हैं इनकी साउंड क्वालिटी टेस्टिंग। सो गाइस ईयरबड्स को कनेक्ट करना है सिंपली, यहाँ पे आपको ब्लूटूथ को ऑन कर देना है। तो गाइस यहाँ से हम ब्लूटूथ को ऑन कर देंगे। एंड गाइस नीचे की तरफ स्वाइप करना है एंड नॉइज़ आइकॉन 2 आ रहा है, तो गाइस इसका नेम भी आ जाएगा नॉइज़ ईयरबड्स 2 नॉइज़ ईयरबड्स प्रो ऐसी आ गए। उस पर टैप कर दीजिए एंड पैर पे टैप कर दे दो। V513 कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है। एंड जैसे कि इंस्टेंट वीकेंड पैर का भी सपोर्ट दिया जाता है, तो गाइज वो आपको एक बार बता दे दो। जैसे कि ईयरबड्स को मैं बंद करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिसकनेक्ट है वो हो जाएंगे। एंड वापस ईयरबड्स को ओपन करते ही यहाँ पे रख दूंगा तो ये ईयरबड्स वापस कनेक्ट है वो हो जाएंगे लास्ट पैर डिवाइस से। सो गाइज यहाँ पे कनेक्ट हो गए, अभी कर लेते हैं इनकी साउंड क्वालिटी टेस्टिंग। तो गाइस जब बात करूँ टच कंट्रोल्स की, राइट ईयरबड पे आप सिंगल टैप करोगे तो यहाँ आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एंड गाइस लेफ्ट ईयरबड पे सिंगल टैप करोगे तो यहाँ आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। एंड गाइस बात करूँ प्ले पॉज की, तो गाइस डबल टैप करना है तो यहाँ आपका म्यूजिक प्ले हो जाएगा। एंड वापस डबल टैप करोगे तो यहाँ आपका म्यूजिक पॉज हो जाता है। आपको नेक्स्ट म्यूजिक पे जाना है, राइट ईयरबड पे ट्रिपल टैप कर देना है तो यहाँ आपका नेक्स्ट म्यूजिक आ जाएगा। एंड प्रीवियस पे जाना है तो लेफ्ट ईयरबड पे ट्रिपल टैप कर देना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा प्रीवियस म्यूजिक आ गया है। सो गाइस यही थे इनके बेसिक टच कंट्रोल्स, अभी कर लेते हैं इनका कॉलिंग टेस्ट। तो हेलो गाइस, कैसे हो आपको आवाज आ रही है वो है नॉइस के एयरबड्स प्रो एसी से। एंड गाइस यहाँ पे मैं आउटडोर में हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड का भी नॉइज आ रहा है, मगर गाइस ANC का सपोर्ट है तो गाइस यहाँ पे इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वर्क कर रहा है या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। सो गाइस यही था इसका कॉलिंग टेस्ट नॉइस एयरबड्स प्रो एसी का। गेमिंग टेस्ट हो कर लेते हैं। गाइस आ जाते हैं हमारे मेन कंक्लूजन की तरफ, आपको नॉइस के एयरबड्स प्रो एसी को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। सो गाइस बात करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात, 1300 में 100 आवर्स का प्ले टाइम दे रहे हैं। बहुत बोल्ड के Z40 प्रो अभी जो लॉन्च हुई वो 100 आवर्स का प्ले टाइम दे रहा है, ये तो यहाँ पे 45 आवर्स मुझे बहुत काफ़ी कम लगा है। एंड गाइस ANC भी इतना वर्क नहीं करता, मैंने दोनों ट्राई किया था, आउटडोर में मैं गया एंड ANC ट्राई किया, तो गाइस इतना मुझे यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन बाहर का नहीं कर रहा था। तो गाइस ANC एंड बैटरी बैकअप के लिए ईयरबड्स नहीं है, अगर आपको गेमिंग के लिए या फिर बिल्ट एंड डिजाइन एंड पॉकेट फ्रेंडली ईयरबड्स चाहिए थे तो ये बेहतरीन है। एंड साउंड क्वालिटी में देना चाहूँगा 10 में से 8, कॉलिंग में 10 में से 9 एंड गेमिंग में 10 में से 7। सो गाइस ये थे मेरी पर्सनल रेटिंग्स। एंड गाइस मैं तो यहाँ पे 50-50 कहना चाहूँगा इस ईयरबड्स के बारे में, मुझे ये अच्छे भी नहीं लगे एंड बुरे भी नहीं लगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद
थैंक यू दोस्तों।